मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। बहुत खर्चा घटेगा और दवा छिड़कते हैं जो खेत में पेस्टिसाइड, वो बंद कर दें तो आप बोलेंगे फिर क्या करें, यूरिया डीएपी बंद करके गाय का गोबर भैंस का गोबर खेत में डालें। अब आप बोलेंगे गोबर और कैसे डालें खेत में, बहुत सरल तरीका है उसका। एक एकड़ खेत अगर आपके पास है तो 10 किलो गोबर ले लो किसी भी जानवर का, 10 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय बैल भैंस का, दोनों को मिला लो, उसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और 1 किलो दाल का आटा, और 1 किलो मिट्टी, खेत की मिट्टी मेड़ की हो तो बहुत अच्छा, गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा और खेत के मेड़ की 1 किलो मिट्टी, ये 5 चीज़ें मिला के ड्रम में रख दो, 15 दिन रखा रहने दो, 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसमें पानी मिला दो कम से कम 200 लीटर, तो ये घोल तैयार हुआ, इसको खेत की मिट्टी पे छिड़कना है। ये सबसे अच्छी खाद है दुनिया की, एक पैसा भी खर्च नहीं होता इस। ये खाद का इस्तेमाल हजारों किसान कर रहे हैं पूरे देश में और सब अच्छे हो गए। जो किसान पहले गेहूं लेते थे यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 10 क्विंटल, अब उनका गेहूं आता है 1 एकड़ में 20 क्विंटल। जिनका गन्ना होता था पहले 1 एकड़ में 25 टन, अब उनका गन्ना होता है 1 एकड़ में 70 टन। जिनकी कपास होती थी 1 एकड़ में 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, अब होती है 7 क्विंटल, उत्पादन बढ़ गया। और जो पैदा हो रहा है वो इतना स्वादिष्ट है कि बाजार में खूब अच्छे भाव पे बिकता है। जो किसान इस तरह से गेहूं करते हैं उनका गेहूं 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो बिकता है, उसको ऑर्गेनिक शुद्ध कहते हैं। ऑर्गेनिक चीजों की सारी दुनिया में मांग है, पूरी दुनिया में। आप भी अपने खेत में इस ऑर्गेनिक तरीके से खेती करो तो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला फिर बता देता हूं, 1 एकड़ खेत के लिए 10 किलो गोबर 10 लीटर मूत्र 1 किलो गुड़ 1 किलो दाल का आटा 1 किलो मिट्टी, तो सीधे छिड़क सकते हैं। फसल खड़ी हो तो पानी के साथ मिला सकते हैं, फसल में जब पानी देते हैं ना उसमें मिला दो इसको। मैंने 1 एकड़ का बताया, अब 2 एकड़ है तो डबल कर लेना, 3 एकड़ है ट्रिपल कर लेना। यूरिया का खर्चा खत्म करना। अब यूरिया डीएपी बंद करेंगे खर्चा कम हुआ, फिर हम जो खाएंगे वो शुद्ध हुआ, वो शुद्ध खाएंगे बीमारी कम, दूसरों को खिलाएंगे उनकी बीमारी कम, सारा देश स्वस्थ सुखी और निरोगी हो जाए। और जब खेत में कीड़ा लग जाए तो कीड़े मारने की भी दवा घर में बना लो, गाय का मूत्र ले लो भैंस का मूत्र ले लो 20 लीटर, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी मिला दो इसमें, 2-2.5 किलो आंकड़े के पत्ते की चटनी मिला दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते की चटनी मिला दो, 0.5 किलो तंबाकू का पत्ता पीस के डाल दो, और जो भी आसपास में पेड़ पौधे हैं जिनके पत्तों को जानवर नहीं खाते उनको तोड़कर चटनी बना के डाल दो, गोमूत्र में या भैंस मूत्र में उबाल लो, उबाल कर ठंडा करके छान लो, फिर 200 लीटर पानी मिलाकर खेत पर स्प्रे कर दो, सब कीड़े मर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, एक पैसे का खर्चा नहीं। तो खर्चा बचाओ खेती में।